आप लोगों ने शादी से पहले या शादी के वक्त कपल्स का फोटोशूट तो देखा होगा, अगर शादी के वक्त है तो मंडप में, और अगर शादी के पहले यानी कि प्री वेडिंग शूट है तो पहाड़ों पर, नदी के किनारे, समंदर में या फिर रेगिस्तान में देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में कपल्स का फोटोशूट देखा है? अगर नहीं देखा तो यहाँ देखिए। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा, आप देख रहे हैं एमपी तक। कपल्स के बीच में प्री वेडिंग शूट का क्रेज लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो हुआ वो क्रेज से एक कदम आगे है। दरअसल यहाँ पर एक कपल ने मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर पर फोटोशूट करा लिया, और जब इस फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो महकमे में हड़कंप मच गया। हुआ ये कि बीजेपी नेता की नई नई शादी हुई थी, और शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ फोटोशूट कराने पहुंचे रायपुर स्थित पुलिस लाइन्स के स्टेट हैंगर। अब स्टेट हैंगर क्या है? स्टेट हैंगर वो जगह है जहां पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर खड़ा रहता है, और यहां पर उन्होंने अपना फोटोशूट कराया। जब इस फोटोशूट की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली तो पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में हड़कंप ऐसा मचा कि 3 मेंबर्स की कमेटी का गठन किया गया और पूरे मामले की जांच कराई गई, और बात केवल जांच तक ही नहीं सीमित रह गई, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर के ड्राइवर को सस्पेंड भी कर दिया गया। दरअसल स्टेट हैंगर में किसी को भी बिना इजाजत के जाने की परमिशन नहीं होती है। ऐसे में एक जोड़ा फोटोग्राफर्स के साथ स्टेट हैंगर पहुंचता है और वहां पर जाकर मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में फोटोशूट भी करा लेता है। ऐसे में मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठते हैं। अब जब सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो यहाँ पर स्टेट हैंगर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर भी सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सुरक्षा कर्मियों ने फोटोशूट होते नहीं देखा, और अगर नहीं देखा तो इतनी बड़ी चूक उनसे कैसे हो गई, और अगर उन्होंने फोटोशूट होते हुए देखा तो आखिर उन्होंने रोका क्यों नहीं, और इस बारे में ऊपर के अधिकारियों को जानकारी क्यों नहीं दी गई। खैर, जब इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगी तो उन्होंने इस पूरे मामले को तूल ना देने को कहा, साथ ही उन्होंने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने ट्वीट किया, राज्य शासन के हेलीकॉप्टर में प्री वेडिंग शूट की एक घटना संज्ञान में आई है। मैं चाहता हूं कि संबंधित अधिकारीगण इसकी जांच करें और सुनिश्चित करें कि ऐसी चूक भविष्य में ना हो, साथ ही इस मामले को अब अधिक तूल ना दें। मैं नव दंपत्ति को सुखमय वैवाहिक जीवन की शुभकामना देता हूं, खुश रहें। हालांकि अब इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक्शन में आ गई है। उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा है और इस पूरे मामले में जांच की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो पहले ही अपने कई नेता इस तरह से सुरक्षा में हुई भूल चूक से खो चुके हैं और वो फिर से ऐसा कुछ होते नहीं देखना चाहते। साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ये भी कहा है कि हेलीकॉप्टर में कोई सेंसर या कोई रिकॉर्डर या कोई विस्फोटक सामग्री तो नहीं लगाई गई है, इसकी भी जाँच की जाए। खैर, सभी चाहते हैं कि उनकी शादी और शादी में बीता हुआ हर एक लम्हा यादगार रहे, लेकिन इस कपल का ये फोटोशूट का लम्हा सिर्फ उनके लिए ही नहीं, पूरे प्रशासन के लिए भी यादगार रहेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे YouTube पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश से जुड़ी और भी खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।